ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति का भी बेहद जाना माना नाम है। राजनीति के क्षेत्र में सिंधिया को किसी परिचय की जरूरत नहीं है और ग्वालियर में तो बच्चा बच्चा उनके नाम से परिचित है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं और अपने गढ़ में गहरी पकड़ रखते हैं। आज भी मध्य प्रदेश में कोई राजनेता नहीं है जो गुना में सिंधिया को मात दे सके। पहले दादी विजयराजे सिंधिया, फिर पिता माधव राव सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की भागदौड़ संभालते हैं। लेकिन यह बात अलग है कि राजमाता विजयराजे सिंधिया और उनके बेटे माधव राजे सिंधिया दो अलग अलग दलों से थे, लेकिन गुना में आज भी सिंधिया राजघराने का ही है। जीवन परिचय की बात करी जाए अगर इनके, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 में मुंबई में हुआ। उन्होंने 1993 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक की डिग्री ली और 2001 में स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA की डिग्री हासिल की। ज्योतिरादित्य सिंधिया की 1984 बड़ोदरा के गायकवाड़ घराने की प्रियदर्शिनी से शादी हुई। उनके एक बेटा और उनकी एक बेटी है। बेटे का नाम महा आर्यमान और बेटी का नाम अनन्या राजे है। अगर राजनीतिक सफ़र की बात करी जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक सफ़र उनके पिता के अंतिम समय के बाद शुरू हुआ। माधव राजित्य सिंधिया के निधन के बाद अगर बात करी जाए तो पिता की निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों में आ गई। सिंधिया ने पहली बार 2002 में पिता की परंपरागत गुना संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीते भी। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया ने दोबारा इसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और फिर सांसद बने। UPA सरकार में पहली बार 2007 में सिंधिया ने केंद्रीय राज्य मंत्री का पदभार संभाला और UPA की मनमोहन सरकार 2012 में भी उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वतंत्र भार संभाला। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बाद गुना से जीत दर्ज कराई। सिंधिया फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2019 के बाद लगातार देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को अब ये लग रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां के बने और अब देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अध्यक्ष बनते हैं या नहीं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति के बारे में बात करी जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास करोड़ों की पैतृक संपत्ति है, जिसमें महल कोठियों के साथ साथ व्यक्तिगत 3 करोड़ रुपए की FDR शामिल है। उनके पास एक पैतृक BMW कार भी है। लोकसभा चुनाव में सिंधिया ने गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन भरा था और इस दौरान अपने शपथ पत्र में उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा किया था। अगर इनकी संपत्तियों की बात करी जाए तो इनके पास 2,97,48,500 रुपए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सिंधिया अब की बार मध्य प्रदेश से अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SBN 9 न्यूज़ पर। हर्ष की रिपोर्ट।